नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। गुजरात के अहमदाबाद में होगा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन। मंगलवार को केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे उद्घाटन। सतत मत्स्य पालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर किया जाएगा ध्यान केंद्रित। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली और पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से मांगा जवाब। आगामी 23 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा। एनजीटी के अनुसार पहले के निर्देश का नहीं किया गया पालन। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद ग्रेप का चौथा चरण हटा। कल से खुलेंगे सभी स्कूल, लेकिन अगले एक सप्ताह तक स्कूलों में असेंबली और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर प्रतिबंध। विश्व शौचालय दिवस पर त्वरित परिवर्तन थीम दे रही है स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद देश में आया बड़ा बदलाव। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला मंगलवार को अहमदाबाद में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम में राज्य मत्स्य पालन मंत्रियों, विभिन्न देशों के राजदूतों, वैश्विक मत्स्य वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, मत्स्य समुदायों और निवेश बैंकरों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों और हितधारकों की विविध श्रेणियों को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 और 22 नवंबर को एक मंच पर लाया जाएगा। सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री रूपाला के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय गोलमेज बैठक का आयोजन शामिल है। इस उच्च स्तरीय वार्ता में विभिन्न देशों के राजदूत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो जलवायु संकट सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों के बीच इस क्षेत्र की निरंतरता को कायम रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में 3,500 करोड़ रुपए के जल घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन में लेखी ने कहा कि 600 करोड़ रुपए के 12,000 कार्य आदेशों के लिए टेंडर नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि खातों का 2017 से नियमित नहीं किया गया है और वे ब्यौरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखी ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी बैलेंस शीट के 450 बैंक खातों में 110 खातों की जमा राशि नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि 77 बैंक खातों में जमा है और कई खातों की जमा राशि शून्य दिखाई गई है, जबकि उस खाते में 1 करोड़ रुपए हैं। जो है भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी का पकड़ा है और इस घोटाले में इस बार जल बोर्ड की डिटेल सामने आई है। आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है वो कम हो गई और जो पहले उनके FDR वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए, तो पैसा गया कहाँ। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं, मैं कुछ चीजें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा कि शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे और हम सबको याद है वो टैंकर माफिया, और वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से, टैंकर से पानी लाने का। तो टैंकर माफिया की जो शक्ति है वो कम नहीं होकर बढ़ी है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली NCR में लगातार बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली पंजाब समेत 10 राज्यों और विभिन्न एजेंसियों से जवाब तलब किया है। NGT ने कहा है कि जिन राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हुआ है वहां तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने के उसके पहले के निर्देश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। NGT ने अधिकारियों को आगामी 23 नवंबर को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने के लिए भी कहा है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ग्रैप 4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली में ग्रैप 4 भले ही हट गया हो, लेकिन ग्रैप के चरण 1 से लेकर चरण 3 के तहत नियम बने रहेंगे। साथ ही पूरे दिल्ली में संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि AQI का स्तर पुनः गंभीर श्रेणी में न आए। इस बीच दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर यानी सोमवार से दिल्ली के सभी स्कूल खोलने का फैसला किया है। हालांकि अगले एक सप्ताह तक स्कूलों में असेंबली और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार होने पर लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। लोगों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से उनकी आंखों में होने वाली जलन में कमी आई है। हवा में सुधार देख दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर से स्कूल खोलने की जानकारी दी है। दिल्ली बहुत अच्छा है, बारिश हो गई तो शायद उससे भी है अच्छा, बल्कि हवा शायद थोड़ा जो है क्लीन ही है। लास्ट ईयर से तो अच्छा है, जैसे बारिश हो गई है उसके कारण काफ़ी इम्प्रूव हुआ। बारिश से पहले काफ़ी दिक्कत थी यहाँ पे, पर अब काफ़ी इम्प्रूव लग रहा है मेरे को। आज तो मौसम खुला हुआ है, काफ़ी दूर तक देख पा रहे हैं सब कुछ। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ रबी सीजन 2023-24 के दौरान भी उठाया जा सकता है। इसी योजना के तहत वर्तमान रबी सीजन में गेहूं की फसल के लिए हिमाचल के जिला हमीरपुर की सभी तहसीलों और उप तहसीलें अधिसूचित की गई हैं। जिले के किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक सुरेश धीमान ने बताया कि इस संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है। उप निदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है, ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारू ढंग से जारी रख सकें। उप निदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में रबी सीजन 2023-24 के लिए शेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अधिसूचित की गई है। गेहूं की फसल के बीमे के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 900 रुपये यानी 36 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देना होगा। इसकी बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होगी। और बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने की परिकल्पना साकार हो गई है। यह अनूठा प्रयोग बक्सर जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत कृतपुरा गांव के पास गंगा नदी में किया गया है। यह काम आरा के एक युवक प्रशांत कुमार ने अपने दोस्तों के सहयोग से किया है। इस फ्लोटिंग हाउस का लोकार्पण भी किया गया। बिहार के बक्सर में पानी पर घर बनाने की परिकल्पना साकार हो गई है। आदि प्राकृतिक पद्धति से निर्मित इस घर में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए कच्चे सस्ते ईंटों से निर्माण किया गया है। पानी से प्रभावित न होने योग्य मिट्टी का प्लास्टर फार्मूला भी मिल गया है। अपनी पुरातन बनावट शैली के कारण ठंड में अपेक्षाकृत गर्म और गर्मी में बाहर की तुलना में शीतल माहौल कमरों में मिल रहा है। इस घर को पानी के ऊपर नाव से खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। ऐसे में ये मूवेबल हाउस बोट की तरह बाढ़ के आपात स्थिति में चलंत हॉस्पिटल भी बन सकता है। पॉजिटिव पहलू यह है कि शौचालय का निर्माण सूखा विधि से किया जा रहा है, जिसका अपशिष्ट इसी घर के परिसर में लगे पेड़ पौधों और सब्जी आदि फसलों पर किया जा सकेगा। पूरे घर से कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का प्रयास है। ये घर खुद के लिए सौर ऊर्जा, भोजन और स्वच्छ पानी का इंतजाम कर सकेगा। ये हम लोग अपने सफलता के पहले पीढ़ी पहले पायदान पे घर बन के तैयार है। अब इसमें प्रयोग बाकी है। प्रयोग किस चीज़ का? तो अब हम ऊर्जा कैसे उगाएंगे पानी के बीच, हम यहाँ पे खाना कैसे उगाएंगे, हम टॉयलेट कैसे बनाएंगे, हम कैसे इसमें यहाँ का पानी को पी पाएंगे। तो अब ये पूरा प्रयोग का विषय है। और अभी तक जो तकनीक, जो वैदिक तकनीक से हम लोग काम करते हुए जिस चीज़ों को अभी बनाए हैं, उसका भी जो यहाँ का वातावरण है, जो वेदर है, उस कंडीशन में उस पर क्या इफेक्ट करता है, उसका भी एक प्रयोग बाकी है। तो अब हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट सीढ़ी पे कदम रख रहे हैं। फ्लोटिंग घर को कृतपुरा के लाढ़ोपुर घाट से कबरिया ले जाया गया था। वहां से नाव से खींचकर शहर के नाथ बाबा घाट लाया गया, जहां इसका सामान्य तौर पर जिला प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया।
प्रशांत जी और उनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि बक्सर जिले से इस तरह का एक अनूठा और नवाचार प्रयोग इन्होंने शुरुआत करी, उसके लिए बक्सर जिले को चुना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये जो तैरता हुआ मकान, जैसा आपने भी बोला, क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्लोटिंग हाउस अंग्रेजी अनुवाद में इसको बोलेंगे, ये मतलब जो परिकल्पना की है, जिस सोच के साथ इसका निर्माण एक हाउस का किया गया है, वैसे कई हाउस बने, लोगों के लिए और प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सरकारी उपयोग के दृष्टिकोण से जन उपयोगी साबित हो और इसकी डिमांड बढ़े, लोगों में चर्चा का विषय बने। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर लोकार्पण के बाद छठ घाट पर आम लोगों के बीच प्रदर्शित करने के लिए इस घर को रखा गया है। कुछ दिनों तक ये फ्लोटिंग हाउस बक्सर में रहने के बाद इसे भोजपुर और फिर पटना ले जाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व शौचालय दिवस त्वरित परिवर्तन थीम के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दे रहा है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की अपील के बाद कितना बदलाव आया है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। क्या हमारी माँ बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मान, मैं गरीब परिवार से, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी और लोगों से खुले में शौच से मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया था और देखते देखते ये अभियान जन आंदोलन बन गया। टॉयलेट जिसने महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता लाई, टॉयलेट जिसने बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और इसीलिए हम मना रहे हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। लेकिन ये सफर अभी यही नहीं रुका है, अब हमें अपने टॉयलेट्स को और ज्यादा बेहतर बनाना है और ज्यादा खूबसूरत बनाना है। लोग स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए स्वेच्छा से आगे आने लगे, तेजी से शौचालयों का निर्माण होने लगा, हर उम्र और जाति के लोग स्वच्छता प्रहरी बन गए और समय से पहले ही देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। अब तो किसी चीज का डर भी नहीं लगता है। मैं सह होती थी क्योंकि कभी आदमी आते जाते रहते थे, अब सुबह टाइम जाओ जल्दी से जल्दी, सुबह टाइम रोकी उनर के फिर जाइए, ऐसे काफ़ी दिक्कतें होती थी। अब तो जब से घर में जब से बन गई है, जब से किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं रहती है। इस काम में जहां जन प्रहरियों का विशेष रोल रहा तो वहीं देश में बन रही फिल्मों ने भी जागरूकता बढ़ाने में अहम योगदान दिया। भाऊजी मेरा ब्याह करा दो। टॉयलेट एक प्रेम कथा ऐसी ही एक फिल्म रही। अब तो बस मंगल ही मंगल होएगा। हाँ भाभी चलो सवा चार हो गए, सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। मत तो घर के पीछे बैठ जाते, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज की ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। शौचालय सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जिस तेजी से ये अभियान एक जन आंदोलन बना, इससे ग्रामीण इलाकों में बीमारियों से निजात पाने में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निजात मिली है। इस वर्ष विश्व शौचालय दिवस की थीम त्वरित परिवर्तन है। हमारे शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उनको इतना अच्छे से चलाएं ताकि लोग वहाँ पे जाके सस्ते में ड्रिंकिंग वाटर ले सकें, टॉयलेट्स यूज़ कर सकें, बेदिंग फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकें। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा क्लीन टॉयलेट चैलेंज भी लॉन्च किया गया। ODF से ODF++ तक, गार्बेज फ्री एरिया से कबाड़ से खूबसूरत उत्पाद तक, स्वच्छता के मायने ही बदल गए हैं। वेस्ट प्रोसेसिंग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत और आम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इस
वर्ल्ड टॉयलेट डे देश ले रहा है क्लीन टॉयलेट चैलेंज। हमें अपने घरों के टॉयलेट्स को और ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन बनाना है, उन्हें ऐसी जगह बनाना है जिसे आप दूसरों को दिखा सके। कैमरा पर्सन मॉन्टी कुमार सिंह के साथ मैं शहला निगार डीडी न्यूज के लिए। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शनिवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव चढ़ते उतरते रहे। कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 17 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपये। 18 नवंबर को इसका भाव 25 रुपये बढ़कर 2,825 रुपये हो गया। राज्य की धोराजी मंडी में शनिवार को गेहूं का कारोबार 2,755 रुपये पर हुआ। वहीं जम्बूसर मंडी में इसका भाव 2,500 रुपये रहा। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 17 नवंबर को गेहूं की खरीद 2,420 रुपये पर हुई। 18 नवंबर को इसका भाव 40 रुपये टूटकर 2,380 रुपये पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की हाथरस मंडी में 18 नवंबर को गेहूं का भाव 10 रुपए लुढ़क कर 2,470 रुपये से 2,460 रुपये पर आ गया। वहीं राज्य की ही फतेहपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 नवंबर को गेहूं का भाव 2,430 रुपये पर टिका रहा। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर की जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 18 नवंबर को वाराणसी मंडी में लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि पालमपुर और सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। वहीं पुणे मंडी में लहसुन के भाव में तेजी दर्ज की गई। एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 17 नवंबर को लहसुन का भाव था 21,500 रुपये। 18 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 21,500 रुपये पर टिका रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 17 नवंबर को लहसुन की खरीद 9,000 रुपये पर हुई। 18 नवंबर को यहां इसका भाव 1,000 रुपये चढ़कर 10,000 रुपये हो गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 नवंबर को लहसुन का भाव 14,000 रुपये पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में लहसुन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 नवंबर को लहसुन का भाव रहा 8,900 रुपये। 18 नवंबर को इसके सौदे 100 रुपये गिरकर 8,800 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। पश्चिम पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान गेहूं की बुआई का काम पूरा कर लें। इसके साथ ही यहां गोभी सरसों की बुआई कर लें।
पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों की बात करें तो चने की बुआई का काम कर लें, जबकि गेहूं की बुआई जारी रखें। यहीं जो किसान नवंबर या मध्य दिसंबर तक गोभी सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो वो नर्सरी तैयार करें। वहीं पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में समय से बोई जाने वाली गेहूं, राया, धनिया, मूली, गाजर, शलजम और मेथी की बुआई कर लें। मध्य पंजाब के वर्षा आधारित मैदानी इलाकों के किसान गेहूं की बुआई करें, इसके साथ ही यहां गोभी सरसों की रोपाई करें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ऐसे में किसान इसका लाभ लेते हुए गेहूं की बुआई कर लें। इसके अलावा यहां इस समय सरसों में सिंचाई करें और सरसों को कीटों और बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से रसायनों का छिड़काव करें। पश्चिमी हरियाणा में ही जिन किसानों ने गेहूं की बुआई कर ली है और यदि वो 20 से 25 दिनों की हो चुकी है तो उनमें पहली सिंचाई करें। वहीं पूर्वी हरियाणा में किसान गेहूं और बरसीम की बुआई करें। इसके अलावा यहां सरसों की पछेती किस्मों की बुआई का काम पूरा कर लें। अगर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ नमी वाले तैयार खेतों में गेहूं और मटर की बुआई जारी रखें। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राजस्थान के चुरू में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते आते सभी पार्टियों पूरे दमखम से प्रचार में जुटी हुई हैं। सभी प्रमुख दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलकयारा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इंदौर से वायुसेना के हरक्यूलिस विमान के जरिए बैकअप के लिए हाईटेक ड्रिलिंग ऑगर मशीन मंगवाई गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलकयारा सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा करने सिलकयारा पहुंचे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार रविवार से आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। वासुदेव कुटुंबकम थीम पर आधारित इस मेले में लोग एक से बढ़कर एक उत्पादों का आनंद ले सकते हैं।
लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार समेत देश के कई राज्यों में श्रद्धा भक्ति से मनाया जा रहा है। शनिवार को व्रतियों ने खरना का अनुष्ठान किया और शाम को भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि प्रकृति से जुड़ा ये पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। आइए शुभ अवसर पर हम विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के संध्या अर्घ्य के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर कहा कि सूर्यदेव की वंदना हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय छठी मैया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने एक्स पर कहा कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि भारतीय नारी शक्ति के पराक्रम की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जन्म जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।